इधर श्रीगंगानगर से खबर की बात करते हैं। अनूपगढ़ की कैलाश पोस्ट पर पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। सूत्र ये कहते हैं भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठियों को मार गिराया और कहा जा रहा है कि पहले उससे कहा गया सरेंडर करने के लिए, लेकिन जब उसने आत्मसमर्पण करने से मना किया या उसका मन नहीं बनाया तो मजबूरन बीएसएफ के जवानों को उसे ढेर कर देना पड़ा। तो अनूपगढ़ का बताया जा रहा है ये मामला, जहां पर कैलाश पोस्ट पर पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया है। कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं जब सीमा पार से फेंसिंग क्रॉस करके या फिर किसी भी अन्य उपायों के जरिए ये लोग दाखिल होने की कोशिश करते हैं अवैध रूप से। और हमारे साथ स्थानीय संवाददाता अनूपगढ़ से दीपक जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, किस तरह से बीएसएफ ने इस पूरे मामले को हैंडल किया और किस तरह से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था ये व्यक्ति? जी, मैं आपको बता दूं, अनूपगढ़ में जो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कैलाश चौकी पर भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की थी एक पाकिस्तानी घुसपैठिए ने। तो जब भारत के बीएसएफ के जवानों ने इसे वहां रुकने के लिए और आत्मसमर्पण के लिए कहा तो इसने रुकने की बजाय सीधा भारत की ओर आगे बढ़ता रहा। तो बीएसएफ के जवानों ने 7 राउंड फायरिंग करके इस जवान को वहां रोकने का प्रयास किया, मगर जो घुसपैठिया था वो वहां नहीं रुका। इस पर क्या किया कि जवानों के जो बीएसएफ के जवान थे उन्होंने गोली मारकर उस घुसपैठिए को वहीं ढेर कर दिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दीपक।